हेलो और वेलकम टू स्टडी न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैरोट पोर्ट्स के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग श्री मनसुख मांडवीय द्वारा। ये पोर्ट्स पर होने वाले विवादों के निवारण के लिए एक सोसाइटी है। इसमें यह जानना जरूरी है कि इस सोसाइटी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। आप जानते ही होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा गठित सैरोट रोड्स के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में जो उपलब्ध है, बिल्कुल वैसे ही सैरोट पोर्ट्स बनाया गया है। सैरोट पोर्ट्स समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटाने के लिए सभी प्रकार का सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। तो जानेंगे इसके बारे में, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सैरोट पोर्ट्स का उद्देश्य पोर्ट्स पे होने वाले विवादों का निष्पक्ष तरीके से किफायती और जल्दी से जल्दी समाधान करना है। ऐसे विवादों की मध्यस्थता के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स का पैनल का गठन किया जाएगा। सैरोट पोर्ट्स के कंपोजिशन में IPA इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन IPTTA के सदस्य शामिल हैं। बात करें कवरेज ऑफ सैरोट की, तो ये समुद्री क्षेत्र में बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र सहित मेजर पोर्ट ट्रस्ट, नॉन मेजर पोर्ट्स, प्राइवेट पोर्ट्स, जेटीज, टर्मिनल्स और हार्बर सहित समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को दूर करने में परामर्श और सहयोग प्रदान करेगा। ये ग्रांटिंग अथॉरिटी और लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर के बीच विवाद और साथ ही लाइसेंस धारक और उनके अनुबंधकर्ता के डिस्प्यूट्स के दौरान अनुदानकर्ता और उनके अनुबंध के बीच विवाद को ख़त्म करेगा। अब जानते हैं सैरोट के बैकग्राउंड के बारे में। 2018 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट। अब इसी के संशोधन में इसे जोड़ा गया है। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट के संशोधन में प्रमुख बंदरगाह में PPP, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, इनके डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में सैरोट पोर्ट्स के निर्माण को शामिल किया गया है। अब जानते हैं मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट के बारे में। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स का आधार बनता है। ये एक निजी फर्म के संचालन तक सड़क परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए नियमों और शर्तों को पूरा करता है, और ये PPP परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करता है। MCA बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करता है, जैसे किसी भी प्रकार के रिस्क का दोनों पक्षों में विभाजन करना, उस रिस्क में होने वाले खर्चे का विभाजन करना, बंदरगाह पे होने वाले लेन देन में कटौती करना, और कॉस्ट्स और ऑब्लिगेशन की प्रेडिक्टिबिलिटी तैयार करना है। MCA सिर्फ बंदरगाह पे नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, शहरी रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए उपलब्ध है। तो ये थी जानकारी सैरोट पोर्ट्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।